सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। इस साल करीब 39 लाख स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दी है। इन परीक्षार्थियों को अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं व इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे इस माह के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषित करने की किसी तरह की तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना ये है कि बोर्ड जल्द ही रिजल्ट की तारीखों की घोषणा कर सकता है। कहा जा रहा है कि ये घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। बता दें सीबीएसई बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थी। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 13 अप्रैल तक आयोजित की गई, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक हुई। बता दें अभी तक बिहार, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब आदि बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हो चुके। अब सीबीएसई के परीक्षार्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। अब कहां आप अपना सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट चेक कर सकते हैं ये जान लीजिए। सीबीएसई रिजल्ट घोषित होने के बाद cbserizults.nic.in पर जाएं। इसके बाद उम्मीदवारों को होम पेज पर सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर उम्मीदवार को लॉगिन पेज पर अपना क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा, जैसे कि रोल नंबर और जन्म तिथि। इतना करते ही मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। आखिरी में इसे डाउनलोड कर लें, ध्यान से पढ़ें और भविष्य के संदर्भ में इसके लिए एक हार्ड कॉपी भी निकाल लें। बता दें वर्ष 2023 की 10वीं की परीक्षा में कुल 93.12% विद्यार्थी जो है, यानी 93.12% विद्यार्थी पास हुए थे। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा। लड़कियां 94.25% तो लड़के 92.72% पास हुए। सीबीएसई ने अनहेल्दी कंपटीशन से बचने के लिए इस वर्ष 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की। स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी भी नहीं दी गई। अगर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2023 की बात करें तो पिछले साल सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 87.33% रहा था। लड़कियां 90.68% और लड़के 84.67% पास हुए। सीबीएसई 10वीं और 12वीं दोनों रिजल्ट में त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सर्कुलर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें बताया जा रहा था कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 1 मई को ही जारी कर दिया गया। हालांकि सीबीएसई पीआरओ रमा शर्मा ने बोर्ड के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस सर्कुलर को फर्जी बताया। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं। सीबीएसई के नतीजे घोषित होने पर उन्हें बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी cbserizults.nic.in, results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर देखा जा सकता है। इसके अलावा छात्र अपनी मार्कशीट डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट dizzylocker.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।